नमस्कार। बॉलीवुड की ऐसी दो एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें हर मुद्दे पर बोलना होता है, बोलने के बाद ट्रोल होना होता है। इनमें से एक है कंगना रनौत और दूसरी है स्वरा भास्कर। खास बात यह है कि इन दोनों की ही विचारधारा अलग है। अपने अपने विचार रखने पर दोनों ही जबरदस्त ट्रोल होती है। इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि दोनों एक्ट्रेसेस की आपस में नहीं बनती। कंगना और स्वरा के बीच का मतभेद हर किसी को पता है। ऐसे में जब कंगना अपने भीख की आजादी वाले बयान को लेकर ट्रोल हुई तो उन पर कटाक्ष करने के लिए स्वरा भी मैदान में कूद गई। हाँ, वो बात अलग है कि स्वरा के इस पोस्ट पर लोगों ने उनको ऐसा लताड़ा कि बस पूछे मत। दरअसल कंगना ने कहा था कि 1947 में भीख में आजादी मिली थी, असली आजादी साल 2014 में मिली है। कंगना के इस बयान के बाद उनकी खूब आलोचना हुई, जिसके बाद टाइम्स नाउ ने भी उनसे किनारा कर लिया था। टाइम्स नाउ ने अपने पोस्ट में लिखा था, कंगना रनौत सोच सकती हैं कि भारत को 2014 में आजादी मिली थी, लेकिन इसका समर्थन कोई भी सच्चा भारतीय नहीं कर सकता। ये उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि वर्तमान पीढ़ी लोकतंत्र के स्वतंत्र नागरिकों के रूप में स्वाभिमान और गरिमा का जीवन जी सके। स्वरा ने टाइम्स नाउ द्वारा दी गई सफाई को रीट्वीट करते हुए लिखा, आपके एंकर को इस बेवकूफाना बयान को तभी रोक देना चाहिए था, ना कि तालियां बजाती भीड़ के साथ मुस्कुराना चाहिए था, बेहद शर्मनाक। इसी के साथ स्वरा ने टाइम्स नाउ को टैग किया। स्वरा के इस पोस्ट पर लोगों ने उन्हीं को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जैसे एक यूजर ने लिखा, हा हा हा, एटलीस्ट उसको पता है वो क्या बोल रही है, आपकी तरह बिना नॉलेज कहीं भी कुछ भी नहीं बोलती है। एक यूजर ने लिखा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, गैंग का समर्थन करने वाले आजकल कंगना रनौत के बयान पर ऐसे देशभक्त बने हुए हैं जैसे स्वयं इन्होंने अपने हाथों से अंग्रेजों को मारकर भगाया हो। एक यूजर ने लिखा, क्यों ना बजे तालियां, गलत क्या बोला है, कम से कम तुम्हारी तरह फालतू बकवास तो नहीं करती। एक और यूजर ने लिखा, शी वॉन 4 नेशनल अवार्ड्स एंड 10 फिल्म फेयर एंड आईफा, टुगेदर इट्स 14, शी डोंट डांस एट सलमान खान हाउस और एनी अदर खान हाउस। तो देखा आपने, कंगना और टाइम्स नाउ पर कमेंट करने पर यूजर्स ने कैसे स्वरा की क्लास लगा दी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।